गाइज, आपने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को, यानी कि हमारे एमएसडी को, सन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से ही हर एक मैच में जीत के बाद स्टंप को उखाड़कर अपने साथ ले जाते देखा होगा। पर सवाल यह है कि धोनी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। एक्चुअली जब भी मैं स्टंप को उखाड़ता हूं तो मैं कभी नहीं लिखता कि वो मैंने कौन से मैच में किया था, और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोस को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये स्टंप मैंने कौन से मैच में उखाड़ा था, और रिटायरमेंट के बाद यही मेरा टाइम पास है। गाइज, आपको धोनी के इस इंटरेस्टिंग आंसर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी, और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा? ये मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी? उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया? इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।